नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मैं हूं कावेंद्र चौहान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी पारुल त्यागी। आज जन की बात में हम बात करेंगे कोरोना की। कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने सबको डरा दिया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते हर जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस कराई गई तो ऑनलाइन परीक्षाएं क्यों नहीं। ऐसे में दूसरी चीज ये निकलकर सामने आ रही है कि ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन लोग बीते साल की तरह इस बार नियमों का खास पालन करते नजर नहीं आते। इसी के साथ आपको बता दें कि बीते साल जो स्पाइक था, जिस रेट पर गया था हाईएस्ट पॉइंट पर, इस बार उसको भी उसने तोड़ दिया है। मतलब अपने ही रिकॉर्ड को कोरोना ने तोड़ दिया। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों की माने तो अभी तक जो रिकवरी रेट है वो 89% से भी ऊपर है। ये अच्छी बात है, लेकिन डराने वाली बात यह है कि इस बार जो डेथ रेट है वो 1.25% है, मतलब पिछली बार से बढ़ चुका है। तो ऐसे में लोगों को चाहिए कि लोग ज्यादा सहूलियत के साथ काम करें। लोग अभी अगर लॉकडाउन नहीं लगा है तो इसको बेमाने तरीके से ना लें, और साथ ही साथ अपने कामकाज के तरीकों में भी सुधार करें। क्योंकि कोरोना, जैसा कि बीते साल कहा जाता था कि कोरोना आपकी जिंदगी का एक हिस्सा हो चुका है, तो ऐसे में इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर अब दूसरी वेव आई है तो आगे चल के तीसरी वेव आती है या चौथी वेव आती है, इस पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। तो कोरोना आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। इसके साथ ही कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जो अलग चीज पिछली बार भी देखने को मिली और एक बार फिर हमको देखने को मिली है, वो है स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल। आपको बता दें कि कई तरफ से जो खबरें आ रही है हमारे पास, उनमें कहा गया है कि अस्पतालों में जो बेड हैं वो फुल हो चुके हैं और कई अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने की भी जगह अब नहीं बची है। तस्वीरें बहुत भयावह हैं, हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन इसके साथ ही हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ लाइन पर जुड़ेंगे, उनसे आपकी बात कराएंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हाल है ग्राउंड पर। अब पारुल आपको बताएंगी कि किस तरीके से जो स्थितियां बदल रही हैं, इस स्थितियों को बदलते देखते देखते आपको अपने अंदर क्या बदलाव करने हैं। बिल्कुल काविंद, देखिए जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे यहाँ पर कि स्थिति बहुत खराब होती नजर आ रही है, यूपी हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, छत्तीसगढ़ हो, हर तरफ से एक ही तस्वीर नजर आ रही है। वो तस्वीर के बेड्स जो हैं वो पूरी तरह से अस्पतालों में फुल हो गए हैं। मरीज जो हैं, आलम ये है कि मरीज नीचे एम्बुलेंस में ही बैठे हैं, एम्बुलेंस में इंतजार कर रहे हैं कि कब बेड खाली होगा, कब उन्हें भर्ती किया जाएगा और उनका इलाज जो है वो कराया जाएगा। देखिए तस्वीर जो है बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है क्या सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से क्या कोई तैयारी नहीं की गई थी, क्योंकि आम जनता पर तो हर बार जो है वो डाल दिया जाता है कि आम जनता की लापरवाही जो है वो सामने आती है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल प्रशासन पे भी उठना लाजमी है कि प्रशासन क्या पूरी तरह से आंख बंद करके बैठा था, क्या प्रशासन को नहीं था कि अगर केस बढ़ेंगे तो हम किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से स्थिति को काबू में करेंगे। ये सवाल कहीं ना कहीं लगातार उठता नजर आता है, क्योंकि स्थिति जो है काविंद, ये पिछले साल भी तस्वीरें यही सामने आई थी कि अस्पतालों का ऐसा ही हाल था कि मरीज जो है अस्पतालों के बाहर नजर आ रहे थे क्योंकि बेड्स खाली नहीं थे। फिर ऐसी स्थिति एक बार क्यों नजर आ रही है कि एक बार फिर से जो है मरीज अस्पतालों के अंदर नहीं बाहर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही इसमें सबसे ज्यादा दिखी जा रही है। और देखिए संवाददाता हमारे मनोवर चौहान भी मेरठ से जुड़ चुके हैं, जो यूपी में बढ़ते हुए कोरोना को लेकर स्थिति जो है कोरोना की बताएंगे। मनोवर, यूपी में क्या हालात है कोरोना को लेकर, अपडेट दीजिए। देखिए पारुल, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश के हालात भी वैसे ही हैं जैसे दूसरे राज्यों के हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो पूरे देश में काफी बड़ा राज्य माना जाता है और इस राज्य के दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी काफी बड़े स्तर पर होती है। अन्य राज्य से लोग यहाँ आते हैं, यहाँ के लोग वहां जाते हैं। चूंकि कोरोना की अगर बात की जाए, यहाँ लगातार कोरोना बढ़ रहा था, हालांकि अभी वर्तमान में ही 2-4 रोज पहले ही जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने रात्रि कर्फ्यू लागू किया है, रात्रि लॉकडाउन लागू किया है, लेकिन दिन में जिस तरीके से लापरवाही बढ़ती जा रही है, चूंकि पंचायत चुनाव भी चल रहा है, ऐसे में वो लापरवाही कहीं ना कहीं बड़ा रूप लेगी और मेरठ, उत्तर प्रदेश और मेरठ जो बड़े बड़े महानगर हैं, कानपुर, मेरठ, आगरा, चूंकि पूर्व में भी देखा गया था यहाँ बड़े स्तर पर कोरोना सामने आया था, इस बार भी पहले 1 या 2 या 5 जो मरीज सामने आते थे तो लॉकडाउन लगा हुआ था, लेकिन अब 200-250 मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। ऐसे में दिन में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है, बाजार खोले जाते हैं और वो तो तमाम भीड़ है वो वैसे ही चल रही है जैसे बिना कोरोना के लोग चलते थे, यानी कि कोरोना का पहले के मुकाबले डर नहीं है। हैरत की बात तो ये है, जब पहले कोरोना था, पहली सीरीज थी, उसमें डॉक्टर बड़े सजग थे और लोग बड़े डरते थे, लेकिन अब कोरोना से लोग डर नहीं रहे हैं और डॉक्टर भी नहीं डर रहे हैं। डॉक्टर इलाज कर सकते हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं की गई। हालात यह है कि जो मरीज हैं, बड़ी तादाद में मरीज निकल रहे हैं और मरीजों को सही ट्रीटमेंट देने के लिए उनकी व्यवस्था नहीं की गई,
और यही वजह है ना कि उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों में भी जो लोग हैं वो अस्पतालों में कम, वो अस्पतालों के बाहर नजर आ रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक चीज की है कि होम आइसोलेशन और होम क्वारंटीन दोनों ही चीजों को लागू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लाखों लोग होम क्वारंटीन है, होम आइसोलेट है, और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के अस्पतालों की जो व्यवस्था है पहले के मुकाबले बेहतर है, क्योंकि व्यवस्था पहले चरण में आ गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार को कई ऐसे सीएमओ और कई ऐसे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को सस्पेंड करना पड़ा था जो लापरवाही बरत रहे थे, जो लोगों की जान लेने पर आमदा थे। ऐसे में अब देखना यह भी होगा कि इस जो ये जो सीरीज आई है कोरोना की, इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और शासन प्रशासन क्या कुछ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है काफी चिंताजनक है, लेकिन ऐसे में लोग संभलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जितने भी धार्मिक स्थल है वहां केवल 5 लोगों को जाने की अनुमति दी है और रात्रि कर्फ्यू लगाया, लेकिन दिन में जिस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है पारुल, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और ये मेरी आवाज सुन पा रहे हो जी कविंद्र? मनोहर ये बताइएगा कि जिस तरीके से स्पेसिफिकली मैं अभी मेरठ की बात कर रहा हूँ, जैसा कि हमको बताया जा रहा है कि अस्पतालों में बेड खाली नहीं है, बेड फुल हो चुके हैं, तो इस बात को जरा ध्यान से बताइएगा कि वहां पर जो बेड फुल हुए हैं वो गंभीर अवस्था में लोग पहुंचे हैं उनके लिए फुल हुए हैं, या फिर कोई भी कोरोना पॉजिटिव अगर पाया जाता है तो उसको बेड दिया जा रहा है? देखिए मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में अभी हालात पहले से बढ़िया है, बेहतर है, क्योंकि मेरठ के जिलाधिकारी ने वर्तमान में एक बयान दिया है कि अभी बेड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरठ में प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी कोरोना का इलाज करने की अनुमति दी गई थी। मेरठ में कई से बड़े हॉस्पिटल हैं जो कोरोना का इलाज पेड कर रहे हैं, और ज्यादातर जो मरीज हैं वो पेड इलाज में विश्वास कर रहे हैं, सरकारी सुविधाओं पर और सरकारी व्यवस्थाओं पर उनका एतबार नहीं है। तो कावेंद्र मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में पेशेंट निकल जरूर रहे हैं और लापरवाही भी लोग बरत रहे हैं, लेकिन अगर इलाज की बात की जाए तो मेरठ अभी बेहतर है, वहां इतना बेड की जो किल्लत है वो नहीं हुई है, क्योंकि मेरठ महानगर है और कानपुर है, आगरा है, यहाँ पहले देखा गया था कोरोना बड़े स्तर पर आया था, उसी दौरान व्यवस्थाएं कर भी गई थी और वो व्यवस्थाएं अब काम आ रही है प्रशासन के, लेकिन जो छोटे जिले हैं वहां स्थिति भयावह है। बिल्कुल, इसके साथ ही एक और चीज जानना चाहेंगे कि मेरठ से होकर काफी लोग जो है हरिद्वार जा रहे हैं, वहां पर कुंभ चल रहा है, काफी लोग हरिद्वार जा रहे हैं, तो ऐसे में मेरठ से होकर गुजर रहे हैं, इससे कितना फर्क पड़ रहा है? देखिए कावेंद्र, पहले ही जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है, तीरथ सरकार ने पहले ही वहां व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली थी और वहां बिना कोविड जांच के जो कोविड की नेगेटिव जांच लाएगा उसको एंट्री दी जाएगी। जिस श्रद्धालु या जिस अकीदतमंद पर कोविड की जांच नहीं होगी उसको एंट्री नहीं दी जाएगी, पहले ही तय कर दिया गया था। और जो लोग अपने घरों से चल रहे हैं वो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर चलते हैं, तो उनको कम से कम ये बेहतर और ये अच्छा लगता है कि उनकी नेगेटिव रिपोर्ट है वो जा सकते हैं, और ये शायद ये वजह है कि जो ये पूरा पर चल रहा है और जो हाईवेज हैं उन पर कोरोना पॉजिटिव की स्थिति ज्यादा नहीं है, क्योंकि तमाम जो लोग घर से नेगेटिव हैं तो नेगेटिव ही जा रहे हैं और नेगेटिव ही पहुंच रहे हैं और स्नान करने के बाद वो घर जा रहे हैं। लेकिन हेल्प की बात यह है कि अगर एक भी व्यक्ति पॉजिटिव हुआ और उसने गलत तरीके से अपनी रिपोर्ट नेगेटिव बना करके स्नान करने गया तो सबको संक्रमण हो सकता है। लेकिन सरकारों की यह सराहना करनी होगी उत्तराखंड गवर्नमेंट की कि उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और ये कहा कि जो स्नान करने लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, वह नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, अन्यथा उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। और आज बिल्कुल मुनव्वर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि देखिए अहमदाबाद से हमारे एक और संवाददाता जुड़ चुके हैं प्रणव सिंह, देखिए दोबारा उनका रुख करेंगे, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर से मुनव्वर मैं आप पे ही आना चाहूंगी, देखिए जिस तरह से अभी आपने मेरठ के बारे में बताया, कुंभ को लेकर बात की, लेकिन देखिए अगर यूपी में देखा जाए सबसे ज्यादा स्थिति जो है वो लखनऊ में खराब होती नजर आ रही है, और इसीलिए शायद कयास भी लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आने वाले दिनों में लखनऊ में लॉकडाउन जैसी स्थिति जो है बन सकती है उसको लेकर आपके पास ये अपडेट है। देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हर एक राजनीतिक व्यक्ति का हर एक बड़े बिजनेसमैन का लखनऊ से नाता है, ताल्लुक है। उसको वहां जाना पड़ता है, वहां से आना पड़ता है। स्थिति वहां पूर्व में भयावह थी, पूर्व में भी वहां के जो सीएमओ थे वो परेशान थे और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ऐसे कई सीएमओ को सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन अब स्थिति भयावह हो चुकी है क्योंकि गवर्नमेंट भी वहीं बैठती है, तो ऐसे में स्थिति भयावह है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि लखनऊ की स्थिति सामान्य हो। लेकिन अब स्थिति सामान्य होने के चांस इसलिए कम लगते हैं क्योंकि आसपास के सराउंडिंग जिले थे उनमें भी लोग बड़े स्तर पर पॉजिटिव आने लगे हैं। जो अमूमन रेट है कोरोना पॉजिटिव का, बड़े महानगर 200 से ऊपर जा रहे हैं, छोटे जिले 100-150, उनका भी यही हाल है। ऐसे में जो आसपास के लोग थे जो लखनऊ जाते थे, लखनऊ से आते थे, ये संक्रमण फैलने लगा है और स्थिति बद से बदतर हो रही है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के सैकड़ों मंत्री अभी भी होम आइसोलेशन में है, और वही यही वजह है जो लखनऊ से आ जा रहे हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं,
और उनसे उनसे निपटने के लिए प्रशासन कोशिश तो कर रहा है, लेकिन जितने बड़े स्तर पर अब कोरोना फैलने लगा है उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल है, और हो सकता है आने वाले समय में एक बार फिर लॉकडाउन की इस मार को जनता को झेलना पड़े, और हो भी सकता है कि जल्द ही लॉकडाउन लगे, क्योंकि जो बड़े बड़े महानगर हैं वहां रेट लगातार बढ़ रहा है, और लखनऊ चूंकि राजधानी है, हर हर व्यक्ति का वहां आना जाना है, ताल्लुक है, तो अब लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन हालांकि अभी जो वर्तमान का एक बयान सीएम उत्तराखंड सीएम उत्तर प्रदेश का आया, उन्होंने कहा है कि वह लॉकडाउन की तरफ नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट ने पहले बिल्कुल मनोवर सीएम लगातार कह रहे हैं कि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाएंगे। मैं अभी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि अहमदाबाद से प्रणव सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रणव, गुजरात में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि देखिए अगर आज की बात करूं तो आज अहमदाबाद से कैसी खबर सामने आई, ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को चिंता में डाल दिया, वो ये कि अहमदाबाद का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पर कोरोना के जो पेशेंट्स है वो इतने पहुंच गए कि बेड्स पूरी तरह फुल हो गए हैं। क्या अपडेट है आपके पास प्रणव? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हो गए लेकिन इधर दिखता नहीं, शायद प्रणव तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए प्रणव तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वापस आएंगे। मनवर हमारे साथ लगातार लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनवर एक चीज बताइएगा कि पिछली बार जब कोरोना आया था बिल्कुल नया था हम सभी के लिए, प्रशासन के लिए भी नया था, हमारे लिए भी नया था, हर एक व्यक्ति के लिए नया था, लेकिन इस बार जब दूसरी वेव आई है तो हम कोरोना के बारे में जानते हैं, ये भी जानते हैं कि उससे कैसे बचाव किया जा सकता है, लेकिन इस बार जो चीज नई हुई है मनवर, जैसा कि स्वास्थ्य मंत्रालय बता रहा है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, तो ऐसे में ये बताइएगा कि पहले जब बात होती थी कि वैक्सीन आ जाए तब तक इंतजार कीजिए, अब जब वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीनेशन भी लगातार चल रहा है, तो मनवर ये बताइएगा कि लोगों की मानसिकता में किस तरीके से बदलाव आया है? देखिए कावेंद्र, मैं दो चीज आपको बताता हूँ, वैक्सीनेशन का और जो लोगों की मानसिकता है। पहले ये कहा जा रहा था वैक्सीन आएगी तब तक इंतजार कर लीजिए, और ये तमाम जो सेलफोन थे, अगर आप सेलफोन से कॉल करेंगे तो पहले यही चीज सुनाई देती थी, वैक्सीनेशन आ चुकी है, बावजूद इसके जो वैक्सीनेट होने के बावजूद लोग हैं वो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। कई ऐसे मंत्री हैं, कई ऐसे स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं और बड़े अधिकारी हैं जो वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इसका टेक्निकल फॉल्ट चीज ये समझिएगा, जो वैक्सीनेट व्यक्ति हो रहा है कम से कम 3 महीने उसको उसके जो सेल्स डेवलप होंगे उसमें 3 महीने लगते हैं, उससे पहले कोरोना से बचना पड़ेगा अन्यथा फिर कोरोना पॉजिटिव आ जाएंगे। दूसरी बात लोगों के जागरूक होने की और लोगों के ये समझने की कि पहले कोरोना था लोग नहीं जानते थे लेकिन अब लोग जानते हैं, अब लोग ज्यादा बेफिक्र हो चुके हैं, ज्यादा लापरवाह हो चुके हैं, उनको पता है, उनको ऐसा लगता है कि कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है, कोरोना हल्का खांसी जुकाम नजला इस टाइप का है और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं, क्योंकि गुजरात माफ कीजिएगा क्योंकि बंगाल के चुनाव जो है पूरे देश में बंगाल का चुनाव एक मुद्दा रहा और तमाम जो बड़े बड़े पार्टियों के नेता थे बंगाल चुनाव में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, बिना मास्क के जाते हैं। ऐसे में लोग ये कहते हैं कि अगर बंगाल में चुनाव हो रहा है और कोरोना है तो वहां कोरोना क्यों नहीं है, यहाँ कोरोना क्यों है। बड़े बड़े व्यापारी बात करते हैं और व्यापारी इस बात का विरोध कर रहे हैं सरकार का, नाइट कर्फ्यू क्यों लगाया, क्योंकि पहले जो कर्फ्यू लगे थे उससे आर्थिक तंगी आई और लोगों की कमर टूट गई, और अब लोग ये मान रहे हैं कि वहां बंगाल में चुनाव हो रहा है वहां कोरोना नहीं है तो यहाँ भी कोरोना नहीं है, यहाँ केवल और केवल गवर्नमेंट बदलाने के। एक सवाल निकल कर सामने आया है कि बंगाल चुनाव की आपने बात करी, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में भी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, तो पंचायत चुनाव में भी जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने जब पीसी की थी 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले, तो उन्होंने उनके लिए कहा था कि 5 लोग से ज्यादा कैंपेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव के बीच हम लोग ये देख पा रहे हैं कि प्रधानी में जो व्यक्ति खड़ा है या पंचायती में जो व्यक्ति खड़ा है उसके साथ काफी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रशासन क्या काम कर रहा है इनके लिए? देखिए कामेंद्र, में वही आ रहा था, उत्तर प्रदेश में इस वक्त पंचायत चुनाव का जो आगाज हो चुका है, क्योंकि आज मैं मेरठ में ग्राउंड जीरो पर था, बड़ी तादाद में लोग कलेक्ट्रेट में पहुंचे थे, एक एक जो प्रत्याशी था उसके साथ हजारों लाखों और कह सकते हैं पूरा जो कलेक्ट्रेट जो परिसर था वो भरा हुआ था, पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही थी कि आप यहां से चले जाइए, यहां से हट जाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, लेकिन कलेक्ट्रेट में पैर रखने की अगर जगह नहीं होगी तो सोशल डिस्टेंस नहीं बन सकता। हैरत की बात तो यह है जब सरकार ये कह रही है कि आप धार्मिक स्थलों के अंदर 5 लोग एंटर कर सकते हैं एक समय में, ऐसे में पंचायत चुनाव में 5 पंचों की यानी कि 5 लोगों की बात कही जा रही थी। वर्तमान की स्थिति यह है कि आज सहारनपुर में चुनाव है और ऐसी इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और बड़ी तादाद में लोग जो प्रत्याशी हैं वो नामांकन कर रहे हैं, उनके साथ बड़े बड़े काफिले चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, एक लंबा काफिला चलता है, ऐसे में प्रशासन की दोगली कहीं कहीं ना कहीं मानसिकता कह सकते हैं, उन पर लगाम नहीं लगाई जा रही है, थाना स्तर की पुलिस अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं उन पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं,
बिना कोरोना के जहन में डर नहीं है, बिना कोरोना के जो लोग तमाम जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव ने तमाम जो कोरोना की पोल है वो खोल दी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कोरोना है ही नहीं, प्रशासन केवल चुनाव की वजह से कर रहा था। आम जनता इससे कहीं ना कहीं भयभीत है कि भाई चुनाव चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। इंटीरियर में देहात में तमाम लोग डेली प्रचार कर रहे हैं, बड़ी तादाद में बिना मास्क के लोग, बिना सोशल डिस्टेंस के लोग घूम रहे हैं और तमाम जो चैनल्स हैं दिखा भी रहे हैं, बावजूद इसके प्रशासन उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, उनको नहीं समझा रहा है। लेकिन जो सिटी में आम लोग रह रहे हैं, रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए काम करते हैं, उन पर कहीं ना कहीं नकेल कसने के लिए प्रशासन तैयार है। मास्क अगर नीचे हटा तो चालान कटा, क्योंकि 1500 रुपए तक का चालान काट रहे हैं। ऐसे में ये जो चुनाव चल रहा है इसमें कोरोना नहीं है कावेंद्र, चुनाव के अंदर कोरोना नहीं है, जो आम लोग हैं, आम सिटीजन है जिनके छोटे छोटे काम है उनके लिए कोरोना वाली बात मंड दी जाती है। इसीलिए देश के अंदर ये दो दो लोग बन चुके हैं कि कोरोना है या नहीं है। ऐसे में वाजिब सवाल भी हर आम आदमी के मन में उठता होगा कि वो 2000 रुपए का चालान कटा रहा है लेकिन उसके जो नेता है वो बिना मास्क के, बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के अपना चुनाव प्रचार पूरी ताकत के साथ कर रहे हैं। ऐसे में पारुल अभी एक सवाल कर रही थी कि नवरात्रों को लेकर क्या कुछ है, पारुल पूछिए अपना जो आप बता। जी जी मनोवर, देखिए आज से नवरात्र भी शुरू हो गए हैं, कल से रमजान का त्योहार भी शुरू होने वाला है, उसको लेकर देखिए कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये है कि एक त्योहार जो है वो कहीं ना कहीं लोग मनाएंगे, क्योंकि देखिए दिन में जो है वो खुली छूट है लोगों को मंदिरों में जाने की, लेकिन रमजान की बात करें तो नाइट कर्फ्यू है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है कि हमारे लिए क्यों पाबंदियां हैं और दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं है पाबंदियां। देखिए पारुल, ये पाबंदियां दोनों ही पक्षों के लिए है। पहले ही शासन प्रशासन ऐलान कर चुका है कोई भी धार्मिक स्थल हो केवल 5 लोग जा सकते हैं, और 5 लोग हालांकि जो मंदिर थे उनमें ताला लगाया गया है, उनमें दिन में भी लोगों के आवागमन कम है, लोग बाहर से जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, माथा टेकते आ जाते हैं। लेकिन जो ये महा जो रमजान का जो महीना होता है इसमें रात को ही अखी तदबंद जो है इबादत करते हैं, और मस्जिदों के अंदर बड़ी तादाद में जो जो व्यक्ति पूरे साल नमाज नहीं पढ़ता वो इस महीने में आकर पूरे महीने नमाज पढ़ता है, और ये नमाज का जो सिलसिला है ये रात के 2 बजे तक भी चलता है। ऐसे में ये इस तरीके से लॉकडाउन लगना, नाइट कर्फ्यू लगना, और वो भी इस मौके पर, तो ऐसे में एक समाज के लोग ये सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं कि भाई इस तरीके से अगर ये महीना हो जाने दिया जाता तो अच्छा होता, क्योंकि कल भी जो देवबंद के लोग थे और यहाँ मेरठ के भी लोग थे और आसपास के लोग थे, तमाम जो लोग थे जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचे और शहर के जिम्मेदार लोग हिंदू मुस्लिम दोनों ही थे उसके अंदर, उन्होंने कहा कि भाई इस महीने को COVID-19 का दौर है और ये महीना अकीदतमंदों के लिए बेहतर होता है, तो इसमें इबादत करने की छूट दी जाए, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, 50 से 100 लोगों के अंदर प्रवेश करने की इजाजत दी जाए, जिसपे मंडलायुक्त मेरठ ने आश्वस्त किया, लेकिन अभी तक इसमें कोई पहल नहीं की गई है। ऐसे में ये सवाल जो एक एक समुदाय के लोग है वो इसलिए ही कर रहे हैं कि माह रमजान जो एक रमजान का पाक महीना शुरू होता है उसमें इस तरह की जो लॉकडाउन है क्यों लगाया गया, और अन्य जो जैसे होली और तमाम प्रोग्राम गए, त्योहार गए, उनमें लॉकडाउन नहीं लगा, तो ये लोगों की सोच हो सकती है। लेकिन सरकार ने सभी समुदाय के लिए ये लॉकडाउन लगाया है वो बात अलग है कि नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, रमजान शुरू हो रहे हैं, या फिर हिंदू माफी चाहूंगा, ये बताइए आप अधिकारियों के सीधे संपर्क में रहते हैं तो ऐसे में एक चीज बताइएगा जरा कि आगे को लेकर तैयारियां क्या है। देखिए प्रशासन की अगर बात की जाए, प्रशासन जाहिर तौर पर नाइट कर्फ्यू के साथ साथ एक प्लान ये कर रहा है कि हर व्यक्ति मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस बनाए, लेकिन आप ये देखिए उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में सैकड़ों हजारों लोग रहते हैं, ऐसे में सोशल डिस्टेंस बनाना और मास्क लगाना ऐसा है जैसे ऊंट के मुंह जीरा। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में लॉकडाउन की तरफ जो है स्थिति जा सकती है, भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हो कि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि जिस तरीके से जो हॉस्पिटल्स हैं वो भर रहे हैं और जब हॉस्पिटल्स पूरे हाउसफुल हो जाएंगे तो लोगों को कहाँ रखा जाएगा, जिन लोगों की स्थिति खराब हो जाएगी उनको कहाँ रखा जाएगा, क्योंकि हार्ट पेशेंट और तमाम जो पेशेंट्स हैं जिनको कोरोना, उनको अगर कोरोना लगता है तो वो लोग मरण अवस्था में पहुंच जाते हैं। हालांकि युवा इस वक्त ज्यादा कोरोना पॉजिटिव आ रहा है, युवा बेपरवाह लापरवाह बन चुका है और यही वजह है युवाओं को कोरोना हो रहा है। हालांकि जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है वो बच जाता है और जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है वो होम आइसोलेट
या फिर अस्पताल पहुंच जाता है। तो सबको अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। मनोवर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रणव अहमदाबाद से जुड़े थे जिनसे हमने लगातार संपर्क करने की कोशिश करी, लेकिन अभी अभी हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट ने हमको बताया है कि वो कुछ इश्यूज की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं। अहमदाबाद का हाल भी काफी बुरा है और पूरे देश में इस वक्त कोरोना की जो दूसरी लहर है उससे सबको डरा कर रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल कावेंद्र, और स्थिति जो है लगातार चिंताजनक बनी हुई है। और देखिए खासकर गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस जो है इन्हीं तीन राज्यों से आ रहे हैं। ऐसे में देखिए योगी सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल योगी सरकार ने यूपी में स्थिति को जो है बहुत अच्छी तरीके से संभाला था और उसकी सराहना भी की गई थी। ऐसे में एक बार फिर जब यूपी में स्थिति खराब होती नजर आ रही है तो अब देखने वाली बात होगी कि यूपी में किस तरह से स्थिति जो है काबू में की जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।